मंगलवार को मुरादाबाद के स्टेशन रोड स्थित पार्कर इंटर कॉलेज में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे की अध्यक्षता में जनपद के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के साथ बैठक हुई। बैठक में शिक्षा सुधार के साथ विद्यालयों में और बेहतर सुविधाएं देने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने सभी से कहा कि जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस नहीं है वो सभी लोग लिखित रूप में है, जिससे शासन से अनुमति लेने के बाद उन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास तैयार कराई जा सके। ऐसे कई मुद्दों पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी को निर्देश दिए हैं। इस दौरान कई प्रधानाचार्य और शिक्षक को नहीं अपनी समस्याएं भी जिला विद्यालय निरीक्षक के सामने रखें। राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य की समीक्षा बैठक पार्कर इंटर कॉलेज मुरादाबाद में आहूत हुई। समीक्षा बैठक में ओम प्रकाश गुप्ता प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षक संस्थान कांट के द्वारा अवगत कराया गया। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है। प्रशिक्षण में जनपद मुरादाबाद के राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत गणित विज्ञान और अंग्रेजी विषय के समस्त अध्यापकों का प्रशिक्षण कराया जाना है। प्रशिक्षण का द्वितीय सत्र 14 सितंबर से 16 सितंबर तक प्रस्तावित है। प्राचार्य महोदय ने जनपद में कार्यरत उक्त विषय के SRG के दायित्व और कर्तव्य के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला विद्यालय डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने शैक्षिक पंचांग के माहवार अनुपालन प्रार्थना सभा को रोचक बनाने के लिए क्रियाकलाप शिक्षक शिक्षेत्तर कर्मचारियों से संबंधित कर्तव्य और दायित्व हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रधानाचार्य को प्रदान किए। अपने संबोधन में बताया कि सरकार और शासन की जितनी भी कार्यक्रम व नीतियां हैं वो छात्र के सर्वांगीण विकास हेतु हैं, जिनका अनुपालन हमें छात्रों छात्र छात्राओं को केंद्रित करते हुए करना है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं जैसे कि वार्षिक विद्यालय अनुदान, खेलकूद सामग्री, एडोलसेंट प्रोग्राम, गणित विज्ञान, यूथ एंड इको क्लब आदि की जानकारी विकास कांत गुप्ता के द्वारा दी गई। मानव संपदा पोर्टल से संबंधित जानकारी श्री मनोहर शर्मा तथा विभिन्न छात्रवृत्तियों की जानकारी पटल सहायक गोविंद के द्वारा प्रदान की गई। समीक्षा बैठक में डॉक्टर श्वेता पूठिया, डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल, डॉक्टर मधुबाला त्यागी, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर SK नेथन आदि ने प्रतिभाग किया। ये विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक थी जो शासन और विभाग द्वारा कार्य कराने होते हैं विद्यालयों में। जो शैक्षिक पंचांग हमारा जारी होता है उसके हिसाब से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, और जो प्रोजेक्ट अलंकार या अन्य कार्य हैं जो ट्रेनिंग होनी है वो कार्य समय से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है, इसकी समीक्षा के लिए आज की ये बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रधानाचार्यों की थी। सभी बिंदुओं पर बैठक किए गए, इनकी जिज्ञासाएं भी आमंत्रित की गई और इनकी शंकाओं का समाधान भी बैठक में किया। विद्यालय में स्मार्ट क्लास दिव्यांग बच्चों की कोई बात करें? हाँ, स्मार्ट क्लास की स्थापना जिन विद्यालयों में हो गई है उसकी सूचना ले रहे हैं। जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना भी नहीं हुई है वो सूची हम ऊपर शासन को भेजेंगे, कन्वर्जेंस के माध्यम से हम भी प्रयास करेंगे ये व्यवस्थाएँ विद्यालयों में हों। दिव्यांग बच्चों की सूचना हमें शासन को भेजनी होती है, हम शासन को भेजेंगे, दिव्यांग कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित करके दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं होंगी हम उसका क्रियान्वयन कराएंगे अपने विभाग में पढ़ने वाले बच्चों को। सर, बरसात के बाद कुछ विद्यालयों में समस्याएं हुई उनके लिए क्या? बरसात में थोड़ा सा पानी वाटर लॉगिंग हो गई थी विद्यालयों में, अब वो करीब करीब ठीक हो रही ठीक